जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं अभय राठौर, इसी के साथ हमारे YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन अभय राठौर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बहुत ही कहने का मतलब शानदार अपडेट देना चाहते हैं आप लोगों को, तो देखिए ध्यान से सुनेगा और चैनल को लाइक मत कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे हर एक अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। समय न गवाते हुए दोस्तों, आप लोगों का कंफ्यूज दूर हम करते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से रिलेटेड रिजल्ट के बारे में, कटअप के बारे में, और दोस्तों आप लोगों का कैसा इस यानी कहने मतलब प्रॉब्लम्स था उसके बारे में। तो दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर फाइटर्स के लिए बात करने वाले हैं। तो बस्तर फाइटर्स के लिए एकदम शानदार हम आपको ज़रूरी सूचना बात बताने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और मस्त समझिएगा, और आपका क्या कहना था, कैसा था, और कौन से हिसाब से आपने फिजिकल दिए उसके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बस्तर, जगदलपुर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, इन एक नक्सल संभावित नक्सल पीड़ित क्षेत्र के जो कैंडिडेट विद्यार्थी हैं, जिनका कहने का मतलब क्वालिफिकेशन बहुत कम है, जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अच्छे अच्छे विद्यार्थी शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, जिनका 8वीं 10वीं 12वीं बेस है, ऐसे बहुत सारे तमाम समस्याएं थी बस्तर संभावित क्षेत्र वालों के लिए। तो खैर, नर्वस होने की बात नहीं है, आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना, बारिश का वक्त आ चुका है, वीडियो मैं बाहर में बना रहा हूँ, इसलिए समय ना गंवाते हुए हम आपको जरूरी जल्दी जल्दी सूचना देने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से सुनेगा, और सबसे पहले यदि वो भाई मेरा वीडियो देख रहा होगा उस, तो बहुत बहुत मैं उनको सल्यूट करता हूँ, जो हमको एक बार कहने का मतलब कमेंट कर देना। जो भाई जब मारा था एक लड़का, वो हमारा बड़ा भाई, कहने का मतलब बड़ा भाई के बराबर है, जिन भाई ने जो हाई जंप मारा था ऐसे टाइप पलट के, वो बहुत ही वायरल हुआ था छत्तीसगढ़ में, और आज तक के वैसा जंप छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला था। तो आईजी सर से लेके बड़े बड़े साहब तक के उस अनकरण मतलब उस समय को बहुत ही मिस किए, तो उनको हम दिल से सल्यूट करते हैं। और बारिश का वक्त आ चुका है, देख सकते हो बारिश, पानी बहुत गिर रहा है, तो हम एक जगह पे छुप कर बैठ चुके हैं, लेकिन वीडियो को हम जारी रखते हैं इस ठंडे मौसम में। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट बस्तर संभावित क्षेत्र से बस्तर फाइटर्स में यदि वो लोग फॉर्म डाले थे, फिजिकल दे चुके हैं, उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि उनका एग्ज़ाम बहुत ही आसान रहा होगा, और कहने का मतलब फिजिकल जिसकी अच्छी तैयारी थी, कहने का मतलब ऐसा है 300 पोस्ट है बस्तर संभावित क्षेत्र से, तो 300 पोस्ट में देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही हाई कटअप रहेगा। तो जनरल की कटअप की बात करें यदि हम, तो नहीं दोस्तों, फिजिकल के लिए मैं स्पेशल बात बताना चाहता हूँ आपका, आपका 274 से 275 नंबर फिजिकल में यदि आ गया होगा, तो आपका जो पोस्ट है वो एकदम सेफ है। यदि आपका 74 से 75 नंबर नहीं आता फिजिकल में जनरल वालों का, और यदि कोई एसटी ओबीसी एससी वाले लोग ला देते हैं, तो वो आपके लिए आपके पोस्ट को हड़प लेंगे। तो दोस्तों, यदि जनरल कैटेगरी वाले आप यदि अच्छे से तैयारी करके कम से कम 74 75 नंबर का फिजिकल दिए होंगे, और आपको पता चल गया होगा कि हम इतने नंबर से बनाए हैं, इतने नंबर पाए इस चीज़ में, तो आपको कोई नहीं इस पोस्ट से हटा सकता, आपका पोस्ट सेफ है। और वहीं कहीं यदि बात करें एसटीएससी वालों को, तो उनको दोस्तों आप लोगों को कम से कम 60 मान लीजिए, क्योंकि 60 से 60 मान लीजिए दोस्तों। खैर, यदि आप 8वीं 5वीं ऐसे कुछ आरक्षक मिले हैं आपको, यदि एकदम अलग क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, कहने का मतलब जहाँ पे विद्यालय नहीं है, नक्सल पीड़ित क्षेत्र से यदि आपका 8वीं 5वीं पास से यदि फॉर्म आपका डला होगा, तो आपका कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि 3 सपोर्ट है। और कहीं ना दोस्तों ओबीसी वाले की बात करें तो आपका वही 65 से 70 कट ऑफ जा सकता है, और खैर कोई बात नहीं, कट ऑफ का खैर कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति रहता है जिन्होंने 100 में 100 ला सकते हैं, 100 में 80, 100 में 85 ऐसे ऐसे नंबर लाते हैं, और उनका कहने का मतलब एग्ज़ाम में कुछ हो नहीं पाता, एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। तो इसमें कुछ अलग मेरिट बन सकता है, तो कट ऑफ के भरोसा मत चलते रहें, क्योंकि कट ऑफ एक कट ऑफ रहता है, और कट ऑफ से बहुत कम मेरिट बनने के चांस रहता है, क्योंकि मेन होता है आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में यदि अच्छे नंबर से यदि आप क्वालीफाई करते हो तो आपका ज़रूर कट ऑफ में नाम, लिस्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तो बने रहे अगले वीडियो के लिए, जय हिंद, लव यू।